ब्रेक। हाँ, अली पे अभी को बहुत विश्वास था कि अभी भी है कि अली कभी ऐसा नहीं कर सकता, बट वो अली के मुंह से ही कुछ ऐसी बातें सुन के, उसके कन्फेशन सुन के, तो मुझे वो बहुत अजीब सा लगता है, यू नो, बहुत बहुत टूट जाती हूँ मैं अंदर से और चक्कर आते हैं, मैं इस चीज़ को इतना एक्सेप्ट नहीं कर पाती, ले नहीं पाती और बेहोश होकर गिर जाती हूँ। कुछ फुटेज भी देखते हैं सब घर वालों के साथ में, फुटेज में क्या था ऐसा? जी हाँ, वो फुटेज यही था कि अली कन्फेस कर रहे हैं, उसी का फुटेज था कि अली कुछ बोल रहा है, क्या बोल रहा है, वो सुन के सब घर वाले चौंक जाते हैं। मैसेज भी आता है साथ ही कि ये सब के पीछे जो बॉम्ब ब्लास्ट हुआ था, अनिल को मारने की कोशिश की थी, वो सब अली ने ही की थी, इस तरह का कोई मैसेज भी आता है अली की तरफ। वही मैं आपको बताई थी, वही मैंने वीडियो देखा और वही वो कन्फेस करता है, जो कि मैं मान नहीं पाती, मैं अभी विश्वास नहीं कर पा रही हूँ, इतना सब कुछ सुन के मुझे यू नो कुछ समझ नहीं आ रहा मैं क्या करूँ, तो वही वीडियो अली मुझे सेंड करते हैं। तो साथ ही नील भी गुस्सा होकर चला जाता है बीच में जब उसको पता चलता है। यस, नील भी गुस्सा होकर चले जाते हैं, नील के पीछे पीछे मैं जाती हूँ, क्योंकि ऑब्वियसली नील को ये बिल्कुल अच्छा नहीं लगेगा कि ये सब कुछ या अली को मैंने भगाया है, वो तो यही सोचेंगे, तो यही सोच के वो चले जाते हैं, फिर मैं जाती हूँ उनको मनाने। तो अभी अपनी क्या करेगी, क्योंकि एक बार फिर से जो सास के ताने वो शुरू हो गए। इतने ताने, इतनी लड़ाई झगड़ा, अभी अपनी को तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है क्या करे बेचारी। अब वो रो रही है, वो खुद पहले संभलने की कोशिश कर रही है, फिर वो सोचेगी कि अब उसे करना क्या है, सो प्लानिंग चल रही है दिमाग में। पर अभी भी विश्वास है अली पर कि वो ठीक है। विश्वास कहीं ना कहीं ये है कि अली ऐसा नहीं कर सकता, मैं इस बात को मानने के लिए तैयार नहीं हूँ, बट उसके मुँह से सुन के यू नो मैं कहीं ना कहीं कन्फ्यूज़ हो रही हूँ कि ये क्या हो गया।